सो दोस्तों, वेलकम बैक टू दी अनदर रिव्यू वीडियो। तो बहुत टाइम से मैंने रिव्यू वीडियो नहीं डाला था, तो मुझे पता चला कि चाईबासा में नया TVS शोरूम खुला है, तो मैं पहुंच गया। और पहुंचते ही साथ मुझे मिल गया अपाची 310 RR VS6 फेस 2 मॉडल। तो बहुत टाइम से नहीं डाला था, तो स्टार्टिंग करने से इससे अच्छा और कोई हो नहीं सकता सोचा, तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। आपको पसंद आए तो लाइक करते जाना, ठीक है। चलो तब स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो अब इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ये बाइक आपको 2023 में लेनी चाहिए कि नहीं, इसमें नया क्या अपडेट आया हुआ, नया क्या फीचर्स ऐड हुए हैं और इसका क्या प्राइस होने वाला है। तो सबसे पहले इंजन का बात करेंगे। इंजन में आपको 312 सीसी की इसमें इंजन आपको देखने मिल जाएगा, वहीं आपका 9700 मैक्स पावर है और RPM। और अगर बात करें मैक्स टॉर्क की तो वो 7700 RPM इसमें देखने मिलेगा। और बाइक की लुक तो वही पुरानी है, कुछ लुक में चेंजेस हुआ नहीं है, लुक में नो अपडेट्स। और बात करें अब गाड़ी की कुछ फीचर्स के बारे में, तो उसके लिए मुझे सबसे पहले इसका जो कंसोल है, कंसोल में जाना पड़ेगा। तो रुको, कंसोल में चलता हूँ और ऑन करता हूँ इसका डिटेल्स। तो कंसोल कुछ इस तरह का दिख रहा है, ये मोबाइल का वाला स्क्रीन आपको देखने मिलेगा इसमें, ठीक है ना। तो इसके जगह आप अपना आईफोन भी लगा सकते हो, मजाक कर रहा हूँ, आईफोन सच में मत लगा देना, ठीक है। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो इसमें राइड मोड, कुछ ट्रिप डिटेल्स, ये सब आपको इसमें देखने मिल जाएगा, ये देख सकते हैं। तो राइड मोड में आपको जाने के बाद अर्बन मोड, रेन मोड, स्पोर्ट मोड और ट्रैक मोड। तो ये ट्रैक मोड और अर्बन मोड और स्पोर्ट मोड, इस सबका अलग अलग फीचर्स है। तो सबसे पहले अगर रेन मोड और अर्बन मोड में का बात करें, तो इसका जो मैक्स पावर है वो 25 PS है। 25 PS मतलब आपका वही 6000 RPM जितना हो जाता है, तो इसका पावर आधा घट जाता है, जैसे मैक्स पावर 9000 बताया था उसी तरीके से। और स्पोर्ट मोड में आपका 34 के आसपास है। तो देखा जाए तो ये अपना पावर, ये नया अपडेट है कि अपना पावर अपने हिसाब से कट कर रहा है, तो अच्छी बात है, ये फीचर्स अच्छा लगा मुझे। तो वहीं अगर और आगे थोड़ा चलते हैं तो ट्रैक मोड में, तो इसमें आपको ट्रिप डिटेल्स देखने मिल जाएगा, ABC बाद बाकी डेली वाला, इसमें आप रिसेट भी अपने हिसाब से कर सकते हो, फिलहाल ऐसे ही कर लिया। तो ये सब जेन्युइन है, नॉर्मल है, जो पहले आपको देखने मिलता था वही सेम जो सर्विस मिल जाता था। परफॉर्मेंस डॉक्यूमेंट आप ऐड कर सकते हैं अपना, जो भी 3 डॉक्यूमेंट आप रख सकते हैं इसमें, 1, 2, 3 दिया हुआ है। और बाद बाकी अगर बात करें तो इसमें वही माई व्हीकल, परफॉर्मेंस, कनेक्टिविटी, डिस्प्ले सेटिंग, कनेक्ट और सेटअप, वो सारी चीज़ें वही जो नॉर्मल आपको पहले मिलते थे वो भी इसी में आपको देखने मिल जाएगा। का और एक खासियत है वो है कि आप डायरेक्ट चलाते हुए भी इसका जो सेट मतलब है राइड मोड, वो आप चला के कर सकते हैं। मैं चलाते वक्त चेंज किया था, मुझे मज़ा आ रहा था चेंज करने में सब चीज़। तो अब इसका थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ठीक है, इसको यहीं रखते हैं। जिसका ये हज़ार्ड स्विच है, हज़ार्ड स्विच ऑन करने के बाद कुछ इस तरह का इसका लुक आता है, अच्छी खासा लुक ही मिल जाता है। तो फ्यूल टैंक की अगर बात करें, मेन अपडेट फ्यूल टैंक का ही है, तो इसमें आपको 11 लीटर का फ्यूल टैंक देखने मिल जाएगा। और ये फ्यूल टैंक में खासियत ये है, देख सकते हैं यहाँ पर, थोड़ा पास लेके दिखा रहा हूँ, ये देखो E20 जो लिखा ना इथेनॉल वाला, अब इसमें इथेनॉल वाला भी पेट्रोल यूज कर सकते हैं, जो हालांकि बहुत अच्छा ही अपडेट मिला हुआ है, अच्छा अपडेट है ये, एक मेन अपडेट इसका जो BS6 फेस 2 में आपको देखने मिल जाएगा। और इसमें आपको 11 लीटर का फ्यूल टैंक देखने मिलेगा, जो सिटी में आपको 32 से 35 तक का माइलेज देगा। और हाईवे पे बात करें NH पे, तो इसमें आपको 45 तक का माइलेज देखने मिल सकता है। तो ये सब था इसका माइलेज और परफॉर्मेंस और पावर के बारे में बता दिया, ठीक है। बाइक का अगर हम लोग अब बात करें, में आपको डुअल चैनल ABS आपको इसमें देखने मिल जाएगा, 17 इंच का एलोइल का साथ 110 टायर सेंक्शन है। और वहीं आपको इसमें रेडिएटर देखने मिल जाएगा, क्योंकि ये लिक्विड कोइल है, तो रेडिएटर का भी क्वालिटी मुझे अच्छे खासी ही लगा, फैन अच्छा खासा वर्क भी कर लेता है। और आगे और पीछे का बात करें तो हम लोग, तो पीछे में आपको 150 सेंक्शन का आपको इसमें टायर देखने मिल जाएगा, और 17 इंच का एलोइल पीछे भी आपको देखने मिल जाएगा, और चेचिस रेड कलर का आपको इसमें मिल जाएगा। और सस्पेंशन का नाम बात करें तो बहुत लंबा, इसलिए मैं पीछे का सस्पेंशन का जो भी है लिख के दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। और यह था ओवरऑल अपनी जो बाइक, तो बाइक का वेट का बात कर लेते हैं। तो ये जो बाइक है इसमें आपको 174 kg की पूरा टोटल वेट देखना पड़ेगा, और ये जो है 130 kg तक का लोड कैपेसिटी कैरी कर सकता है, मतलब 130 तक आप कुछ भी लोड इसमें करो, आपको लद्दाख जाना है, कहीं जाना है, आराम से टूर वूर भी कर सकते हैं इसमें, ठीक है, चलेगा। और वहीं अगर हम लोग बात करें अपनी बाइक की, तो मुझे इसमें इस बार लगा था कि उस भी चार्जिंग का अपडेट मिलेगा, बट नहीं मिला, ये एक तो ऑप्शन मुझे चाहिए था पर नहीं मिल रहा, चलेगा कोई बात नहीं, क्योंकि ये डिस्प्ले में तो फ़ोन ऐड कर ही सकते हो, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी दिया ही हुआ है,
तो ये सब रहा। तो अब इसका प्राइस का बात कर लेते हैं। तो प्राइस इसका है आपका एक शोरूम प्राइस जो आपको 249 समथिंग पड़ रहा है, उसमें RTO आपका है 19 से 20 हज़ार का आपका पड़ जाएगा और इंश्योरेंस 11 से 12 हज़ार का पड़ जाएगा। तो टोटल इसमें हिसाब करने से आपको वही 3 लाख का आसपास इस पड़ जाएगा। तो 3 लाख का रेंज में आपको ड्यूक 390 देखने मिल जाएगा, आपका BMW की 310 देखने मिल जाएगी, फिर RC 390 है। और तो इसके कैपेसिटी और इसका हिसाब से वो लोग अपना अपना जगह में सही है और ये अपने जगह में, तो इसे लेना सही रहेगा कि नहीं। तो अब जिसे TVS की बाइक्स पसंद है, उसका परफॉर्मेंस पसंद है, वो इससे तो लेंगे ही, लेकिन बाद बाकी जिसे 390 जो राइड कर रहा है, 390 का एक लेवल का पावर है, क्योंकि इसमें जो पावर है वो आपका है नेक्स्ट का बात करें तो, और उसका बात करें तो उसका BHP अलग है, इसका BHP अलग है, तो उससे तो ये टॉप एंड में सकेगा नहीं, लेकिन बट सक जाएगा। तो देखा जाए तो आप इसको ले सकते हैं। 310 BMW 310 का बात करें तो सेम सिमिलर है, लुक भी सिमिलर है, क्योंकि वही लोग डिज़ाइन कर रहे हैं अपाची का 310 को भी, चलेगा। तो जिसे BMW पसंद है वो BMW लो, जिसे KTM का पसंद है वो KTM लो, और जिसे अपाची का पसंद है अपाची लो, सबकी अपनी पसंद है, ठीक है। आई होप मेरा अभी छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू सून, पीस आउट। लाइक करते जाना।